साल पूरे होने पर गाजीपुर से सांसद और रेल और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अपने 4 साल के कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने आज पेश करेंगे। गतिशील गाजीपुर विकास के पथ पर गाजीपुर कार्यक्रम लंका मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें 35 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। कार्यक्रम में सिडबी, इंटेल, नोकिया, वोडाफोन, रिलायंस फाउंडेशन जैसी नामी कंपनियों के स्टॉल लगाए जाएंगे जिसका लाभ युवा उठा सकेंगे। इसके साथ ही सैकड़ों परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मनोज सिन्हा करेंगे। कार्यक्रम में 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी लोगों को दिखाई जाएगी जिसमें 4 साल के पूर्व के गाजीपुर और आज के गाजीपुर में क्या अंतर है ये जनता देख सके। और इस वक्त हमारे पास साथ मौजूद है मनोज सिन्हा जी के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो प्रदर्शनी एक प्रकार से लगाई गई है, इसका लगाने का निश्चित रूप से एक जनता को बताना चाहिए, बताया जा रहा है, लेकिन आपकी नजरों में, पार्टी की नजरों में क्या उचित है? भारत सरकार के 4 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसे तो हम लोगों के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष पूरा होने के बाद अपने वर्ष भर का लेखा जोखा जनता के समक्ष कार्यक्रम करा करके रखते रहे हैं, लेकिन अब 4 साल पूरे होने के है, निश्चित रूप से जो गाजीपुर की जनता के मन में गाजीपुर के विकास के कुछ सपने रहे होंगे और स्वयं सांसद जी के मन में भी जिस प्रकार के सपने थे वो पूरा होते और मूर्त होते दिख रहा है, इसको गाजीपुर की जनता को आज एक मूर्त रूप में दिखाने के लिए प्रदर्शनी और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज गाजीपुर से सीधी तस्वीरें कि गाजीपुर की जनता को कितना कुछ दिया मनोज सिन्हा ने और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ तमाम शिलापट लगे हुए हैं कि अभी साल भर बाकी हैं, इन साल में अभी काफी कुछ देना है, उन तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। अमित दत्ता के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, गाजीपुर।